गत दिनों मंडी जिला के पधर में फेसबुक वीडियो के आधार पर बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के विरुद्ध मंडी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के विरोध में सदर विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं ने भारी संख्या में एकत्रित होकर नगर के परिधि गृह से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक जोरदार नारों के बीच रैली व प्रदर्शन का आयोजन किया। हालांकि इस रैली में बंबर ठाकुर स्वयं उपस्थित नहीं थे। रैली को संबोधित करते हुए विभिन्न कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किन्हीं शरारती व गलत तत्वों द्वारा कथित किसी षड्यंत्र के अधीन पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को राजनीतिक शत्रुता के चलते उन्हें समाज, रिश्तेदारों व निकट जनों में बदनाम करने और उनके राजनीतिक जीवन को तबाह करने के लिए गहरा षड्यंत्र रचा गया है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच के आदेश देकर दोषियों को पकड़े जाने और बंबर ठाकुर के विरुद्ध मनगढ़ंत तथ्यविहीन दर्ज की गई कथित झूठी एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई। बाद में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के एक बड़े शिष्ट मंडल ने हस्ताक्षरित विस्तृत ज्ञापन उपायुक्त राजेश्वर गोयल को सौंपकर मांग की गई कि सरकार को इसे भेजकर बंबर ठाकुर के विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर को तुरंत रद्द किया जाए और सारे मामले की निष्पक्ष जाँच के आदेश देकर अंचल शर्मा को आत्महत्या करने के लिए विवश करने वाले वास्तविक दोषियों को पकड़ा जाए। उन्होंने संदेश व्यक्त किया कि जिन लोगों ने वीडियो बनाई अथवा अपलोड की उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया हो, इसकी जांच अवश्य की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बंबर ठाकुर का इस सारे मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एफआईआर को तुरंत रद्द नहीं किया गया तो जोरदार अनिश्चितकालीन आंदोलन आरंभ करने पर विवश होंगे, जिसका सारा उत्तरदायित्व हिमाचल सरकार और पुलिस प्रशासन पर होगा। सर, आज जो यहाँ पे आंदोलन किया गया है वो हमारे बंबर ठाकुर जी के खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च की गई है किसी मर्डर के बारे में, मैं इतना ही चाहती हूँ कि उस केस की जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए कि किसने वो वीडियो वायरल किया है और किसके फोन से वो सबसे पहले वायरल की गई है, इसकी जो है जांच हो और जांच करने के बाद ही किसी के ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाए। ये झूठा मुकदमा बनाया गया है वो ठाकुर साहब के लिए, क्योंकि इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि जो यहाँ छुट्टू मुट्टू नेता है वो हमारे माननीय बंबर ठाकुर जी से डरे हुए हैं, उनकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सदर के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन यही एक ऐसा नेता है जो गरीबों के लिए मसीहा बने हुए हैं, ऐसी छोटी मोटी हरकतें कर रहे हैं ताकि इनकी छवि को खराब किया जाए और इनकी लोकप्रियता को खत्म किया जाए। हमारी जो है प्रशासन से और माननीय श्री जयराम ठाकुर जी से यही मांग है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसके बाद ही जो किसी के ऊपर केस किया जाए। सबसे पहली मांग तो हमारी है जिसने ये वीडियो बनाई है और बैरल की है उसके ऊपर केस किया जाए, उसकी छानबीन हो। कि लोकप्रिय वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के श्री बंबर ठाकुर जी हैं, उनके उनके विरुद्ध जो है वो झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर को तुरंत निरस्त करने के लिए आज जिला सदर चुनाव क्षेत्र के सभी पार्टी के कार्यकर्ता यहां जिलाधीश कार्यालय में आए हैं। मेरा जिला प्रशासन व हिमाचल सरकार से ये निवेदन रहेगा कि आप इस एफआईआर को तुरंत निरस्त करें और ये झूठे मुकदमे बंद करें, ये छोची राजनीति जो है उसको तुरंत बंद करें और ऐसे महामारी के समय में ऐसे घृणित कृत्य जो है वो नहीं होने चाहिए। अगर आप इस एफआईआर को निरस्त नहीं करते हैं और हमारे नेता के खिलाफ जो है झूठा मुकदमा जो है वो आपने दर्ज करवाया है कुछ शरारती तत्वों ने, तो हम जिला कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो बैठेंगे और अगली जो रणनीति होगी उसके ऊपर जो है हमें जहां तक भी आगे जाना पड़ेगा हम उसके लिए जो है वो अपनी जी जान देकर के जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। इन सब